वेलकम है सभी का। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे केमिस्ट्री का एक अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर साल एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है, जिसका नाम है अल्डोल तकसीबी तामुल। अल्डोल तकसीबी तामुल या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पर अल्डोल और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है तकसीब। तकसीब का मतलब होता कि 2 साल में से या किसी भी साल में से एक कौन सा सालमा खारिज कर देना, पानी का सालमा खारिज करना, उसको बोलते हैं हम तकसीफी अमल। तो यहाँ पर अपन सीधे सीधे वर्ड बोलेंगे, तकसीफ का मतलब होता है कि छोटा सालमा यानी पानी का सालमा क्या करना, खारिज करना। तो जब भी तकसीफ वर्ड लिखेंगे तो समझ जाना कि यहाँ पर कौन सा अमल होता है, इखराज अमल होता है, यानी पानी का सालमा या कोई भी छोटा सालमा क्या होता है, खारिज होता है। चलो आइए चलिए देखते हैं अल्डोल तकसीफी तामुल किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अल्डोल तकसीफी तामुल किसे कहते हैं, मुनासिब मिसाल के जरिए अल्डोल तकसीबी तामुल के क्या पर नोट लिखे, ऐसा आता है। तो आइए देखते हैं अल्डोल तकसीबी तामुल किसे कहते हैं और कैसे कहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ अल्डोल तकसीबी तामुल के बारे में। तो एक बात वर्ड सुनो मेरे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अल्डोल तकसीबी तामुल सिर्फ किस में होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। मैं बोला बताओ बच्चों अल्डोल तकसीबी तामुल काय में होता है, तुम बोलेंगे सर अल्डोल तकसीबी तामुल जो है वो एक तो एल्डिहाइड में होता है, एक तो कीटोन में होता है। एल्डिहाइड किसको कहते हैं, जिसमें बॉन्ड सी डबल बॉन्ड वो एच ग्रुप आता है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। इन्हें एक कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जुड़ा होना चाहिए और एक तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, इसे बोलते हैं हम एल्डिहाइड। और एक कार्बन होना चाहिए सी डबल बॉन्ड, एक कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए और दोनों तरफ से बॉन्ड छोड़ना चाहिए और दोनों तरफ से RR ग्रुप होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कीटोन। तो नीचे का जो दिख रहा बेटा बच्चा वो कौन है, कीटोन है। ऊपर का जो दिख रहा है, जो दिख रहा है यहाँ पर, हम ये जैसे R जुड़ा देंगे यानी ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बन ग्रुप से एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से एल्किल या अरिल ग्रुप आता है, तो उसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और कार्बन ग्रुप से एक तरफ से दोनों तरफ से एल्किल ग्रुप आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो बताओ सबसे पहले तुमको पूछूंगा मैं कि बताओ कि अल्डोल तकसीबी तामुल कौन से मुरक्कबात देते हैं, तो तुम बोलेंगे सर अल्डोल तकसीबी तामुल एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप एल्डिहाइड कीटोन देते हैं आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन आगे चलने से पहले अपन एक बात देखते हैं कि हम एल्डिहाइड को सी डबल बॉन्ड ओ एच भी लिख सकते और बॉन्ड सी एच ओ भी लिख सकते हैं। चलो अपन अल्डोल तकसीबी तामुल आज एल्डिहाइड में देखेंगे, चलिए बात खत्म करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या दिख रहा है कि सी एच ओ है, ये सी एच ओ या सी डबल बॉन्ड ओ एच को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, तफावली ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, तफावली ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा तफावली ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, वो कार्बन को हम, ये कार्बन दिख रहा है, 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 तो बताओ यहाँ पर तफावली ग्रुप कौन सा है। तुम बोलेगे सर यहाँ पर तफावली ग्रुप कौन है, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड वो एच तफावली ग्रुप है। यहाँ पर बॉन्ड सी एच वो कौन सा ग्रुप है, तफावली ग्रुप है। हमारा तफावली ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा हो रहा था वो कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा, उसके बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। एक बात थोड़ा गौर से सुनना, बताओ फिर तुमको बोलेंगे बताओ ऊपर वाले में अल्फा कार्बन कौन था, बीटा कार्बन कौन था। तुम बोलेंगे सर जाहिर सी बात है ये जो दिख रहा है ये अल्फा कार्बन है और ये जो दिख रहा है ये बाजू का कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन है। चलो अल्फा और बीटा कार्बन की आप लोगों को पहचान हो गई होंगी। बताओ तफावली ग्रुप कौन सा है, तुम बोलेंगे एल्डिहाइड है। बताओ फिर सी एच ओ कौन कौन है, तफावली ग्रुप है। सी एच ओ जिससे जुड़ा होगा कौन सा कार्बन रहेगा, अल्फा कार्बन, उसके बाजू क्या रहेगा, बीटा कार्बन। अब आइए चलते हैं देखते हैं हम अल्डोल तकसीबी तामुल की अच्छे से एक मिसाल देखते हैं, उसके बारे में चलते हैं। तो देखो मैंने क्या बनाया, सी डबल बॉन्ड वो एच बनाया, सी डबल बॉन्ड वो एच बनाया और इधर से सी बना दिया। बताओ ये कौन है, तुम बोलेंगे सर एल्डिहाइड है। अब ये कार्बन की क्या करता मैं, 4 बॉन्डिंग पूरी करता, ये एच हो गया, ये भी एच हो गया और ये भी एच हो गया, यानी शॉर्टकट में अपन उसको बोलते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और इसको बोलते हैं एच। ये हो गया एसीटाल्डिहाइड, कौन हो गया, एसीटाल्डिहाइड। तुम बोलेंगे सर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच को हम क्या बोलते हैं, एसीटाल्डिहाइड बोलते हैं। अब तुमको बोलेंगे बता रहे इसमें अल्फा कार्बन कौन था, तुम बोलेंगे सर बताते हैं अल्फा कार्बन, हमारा जो तफावली ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है वो कार्बन कौन सा रहता है, अल्फा। तो बताओ ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहेंगे उसे क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया और ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तुम बोलेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 हैं। चलो अल्फा कार्बन की पहचान भी हो गई होंगी, अल्फा हाइड्रोजन की पहचान भी हो गई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं, मेरे पास कुछ मिसाल है उसके बारे में सोचते हैं अपन। बताओ यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हारे को, पहले तुम बोलेंगे सर ये जो दिख रहा है ये हमारे पास कौन सा एल्डिहाइड है, ये हमारे पास पहले बेंजाल्डिहाइड है,
यानी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो उसको बेंजाल्डिहाइड बोलेंगे। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप एच हाइड्रोजन से जुड़ा है तो उसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे। और ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो दिख रहा है सी डबल बॉन्ड वो एच ग्रुप, और ये सी एच से जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसीटाल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसीटाल्डिहाइड। ये जो दिख रहा है हमारे पास हमारा एल्डिहाइड ग्रुप सी एच थ्री सी एच टू से जुड़ा है इसको हम प्रोपीन एल्डिहाइड बोलेंगे। और ये हमारा जो कीटोन ग्रुप सी डबल बॉन्ड ग्रुप जो दिख रहा है जिसको डाइफिनिल कीटोन भी बोलेंगे या तो बेंजोफिनोन भी बोलेंगे। चलो ये बात तो खत्म हो गई। अब तुमको मैंने बोला कि मैं तुम्हारे पास मुरक्कब निकालता है, बताओ उसका नाम क्या है, तो तुम बोले सर हम बताते हैं। मैंने निकाला सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, मैंने निकाला सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच निकाल रहा हूँ मैं, मैंने निकाला सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और क्या निकाले अपन एच, बताओ इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, तुम बोलेंगे ये अल्फा कार्बन है। बताओ उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, तुम बोलेंगे तीन हाइड्रोजन है, तो ये भी हो गया अल्फा कार्बन, उसमें होगा तीन हाइड्रोजन। बताओ ये कौन सा ग्रुप है, तो फॉली ग्रुप है। बताओ इसके बाजू कौन सा कार्बन रहेगा, अल्फा कार्बन। इसके बाजू कौन सा रहेगा, बीटा कार्बन। बताओ बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, अल्फा कार्बन पर दो, बीटा कार्बन पर कितने दिख रहे हैं, तीन। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हारे को, तफाली ग्रुप है। ये तफाली ग्रुप कैसे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हमको पहले क्या होना, कार्बन होना और उस पर हाइड्रोजन होना। ना तो ये अल्फा कार्बन है ना तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन नहीं है, तो ये कार्बन नहीं होने की वजह से इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो बताओ फिर मैंने इतना अल्फा बीटा क्यों बता रहा मैं तुमको बार बार, तो ये बता रहा कि जब जब भी अल्डोल तकसीबी तामूल होगा तो अल्डोल तकसीबी तामूल वही एल्डिहाइड वही कीटोन में होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जोहर क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। तो बताओ पहली कंडीशन क्या है कि अल्डोल तकसीबी तामूल वही एल्डिहाइड और वही कीटोन देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहता है। बताओ फिर यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ लिखा मैंने कि मैंने लिखा सी एच थ्री सी एच ओ, तो बोलेंगे हाँ सर ये अल्डोल तकसीबी तामूल देगा, ये अल्डोल तकसीबी तामूल देगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जोहर मौजूद है। आ रहा क्या, ये अगर ये जो दिख रहा है यहाँ पर बेंजीन में सिर्फ कार्बन ही चाहिए और वो कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये अल्डोल तकसीबी तामूल नहीं देगा। ये भी कंडीशन ऐसी, ये भी अल्डोल तकसीबी तामूल नहीं देगा, ये भी अल्डोल तकसीबी तामूल नहीं देगा। तो पहली कंडीशन ऐसी हो गई कि अल्डोल तकसीबी तामूल वही अल्डिहाइड और वही कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जोहर मौजूद होता है, और अल्फा हाइड्रोजन जोहर किसको बोलते हैं, अल्फा कार्बन पर जो मौजूद रहता है उसको क्या कहते हैं, हम अल्फा हाइड्रोजन जोहर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जोहर कहते हैं। तो आइए एक एक बात देखते हैं और सारे बता तुमको बता देता हूँ मैं। तो बताओ फिर यहाँ क्या दिखेगा तुम्हारे को, तुम बोलेंगे सर इधर से ये फतफाली ग्रुप है, इधर से अल्फा कार्बन पर तीन हाइड्रोजन, ये अल्फा ये क्या करेगा, ये अल्डोल तकसीबी तामूल देगा। यहाँ पर दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्डोल तकसीबी तामूल देगा। इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्डोल तकसीबी तामूल देगा। लेकिन अगर मैं बेंजीनिंग लेता हूँ ऐसे, यहाँ का एच हटाकर ये एच हटाकर मैं क्या लाता हूँ, सी एच ओ ग्रुप लाता हूँ, तो बताओ ये कौन सा कार्बन होगा, अल्फा, और इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यानी जब जब भी एल्डिहाइड ग्रुप कोई भी बेंजीनिंग से जुड़ा हुआ रहेगा तो वहाँ पर वो कार्बन ही रहेगा, उस पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं रहेगा, इसलिए वो अल्डोल तकसीबी तामूल नहीं देगा। तो पहली कंडीशन ऐसी मालूम हो गई आपको कि अल्डोल तकसीबी तामूल में वही एल्डिहाइड और वही कीटोन हिस्सा लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जोहर मौजूद होता है। तो आइए देखते हैं जवाब, और पहली कंडीशन मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो भाई पहली कंडीशन क्या है बच्चों, अब पहली कंडीशन क्या बोल रहा हो कि अल्डोल तकसीबी तामूल में सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन जोहर मौजूद होता है। चलो आगे की बात समझ में, पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी कि अल्डोल तकसीबी तामूल में वही एल्डिहाइड और वही कीटोन हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन जोहर मौजूद होता है। ये एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। अब चलो आइए देखते हैं अल्डोल तकसीबी तामूल की तारीफ देखते हैं और उसको किसे कहते हैं उसके हिसाब से देखते हैं। अब आपको समझ में आ गई होंगी बात कि अल्डोल तकसीबी तामूल में वही एल्डिहाइड और वही कीटोन हिस्सा ले सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जोहर क्या होता है, मौजूद होता है। अब चलते हैं वो बात को तरफ देखते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा, सी एच थ्री दिख रहा, ये क्या दिख रहा, सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा, यहाँ क्या दिख रहा, एच दिख रहा। बताओ ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा, ये कौन है हमारा, तो फॉली ग्रुप है। उसके बाद जो कौन है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे अपन, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बात तो समझ गए होंगे तुम कि अल्डोल तकसीबी तामूल में वही एल्डिहाइड और वही कीटोन हिस्सा लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जोहर मौजूद होता है। और मेरे बच्चों एक बात गौर से सुन लो, ये जो सी डबल बॉन्ड वो निकाल रहा मैं बार बार, ये सी डबल बॉन्ड को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। बोलो फिर से एक बार, कौन सा ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। बोलो सी डबल बॉन्ड ओ को कौन सा ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। बताओ फिर इतना बड़ा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, फिर ओ को क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन।
सी को क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कार्बन। अब अलग अलग हिस्सा कर रहे हैं ना अपन उसके, तो पूरे को क्या बोलेंगे, पूरा सी, इसको पूरे को क्या बोलेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल ग्रुप। अलग हिस्सा कर रहे हैं तो ओ को बोलेंगे, ये ऑक्सीजन कहाँ का है, कार्बोनिल ऑक्सीजन है। कार्बन कहाँ का है, कार्बोनिल कार्बन में का है। तो हमारे पास क्या रहेगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन रहेगा और कार्बोनिल कार्बन रहेगा। तो अब एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि अल्डोल तकसीबी तामूल हमेशा दो अल्डेड और दो कीटोन में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन और जोहर मौजूद होता है। बात समझ में आई मेरी, मैंने क्या बोल दिया, बताओ फिर अल्डोल तकसीबी तामूल कितने सालमा में होगा, दो अल्डेड में होगा, दो कीटोन में होगा। कौन से दो अल्डेड और कौन से दो कीटोन में होगा, वही दो अल्डेड और वही दो कीटोन में होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जोहर क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। तो देखो ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कौन है, अल्डेड है, बाजू कार्बन कौन सा है, अल्फा है, उस पर तीन तीन हाइड्रोजन है। ये हमारा सी डबल बॉन्ड होता है पॉली ग्रुप है, बाजू कार्बन कौन सा, अल्फा है, और उस पर कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, जिसमें से एक हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाला। चलिए आइए देखते हैं आपको बात समझ में आ गई होंगी। तो बताओ मेरे बच्चों कि अल्डोल तकसीबी तामूल में कितने अल्डेड और कितने कीटोन हिस्सा लेते हैं, तुम बोलेंगे दो अल्डेड और दो कीटोन हिस्सा लेते हैं। बताओ कौन से अल्डेड और कौन से कीटोन हिस्सा लेते हैं, वही अल्डेड और वही कीटोन हिस्सा लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जोहर मौजूद होता है। तो जब ये अपने एग्जाम्पल ले लिए, कौन सा ले लिया बड़ा, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने एसेटा अल्डेड ले लिया। थोड़ा गौर से देखना आप, मैं एक एक बात समझाता हूँ। अपने क्या लिया, एसेटा अल्डेड ले लिया, इसका नाम क्या है बच्चों, तुम बोलेंगे सर एसेटा अल्डेड है, इसका नाम क्या है, एसिटाल्डेहाइड। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले दो अल्डेहाइड और दो कीटोन को, यानी मैंने किसको लिया, अल्डेहाइड को लिया, ये पहला एसिटाल्डेहाइड है, ये दूसरा एसिटाल्डेहाइड है। तो क्या होगा बच्चों, एक अल्डेहाइड का अल्फा हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन बोले तो कौन था, अल्फा ही है, ये हाइड्रोजन बोले कौन था, अल्फा है। एक अल्डेहाइड का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे अल्डेहाइड के कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास जाएगा। हमारे केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ भी डबल बॉन्ड दिखता है वहाँ पर इजाफी अमल होता है, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है वहाँ पर इजाफी अमल करने का है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। तो बताओ क्या होगा, तो तुम बोलेंगे सर इसमें ऐसा होगा कि एक साल में का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे साल में के कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास जाएगा, और ये CH2 पूरा जो दिख रहा है, ये नहीं जो दिख रहा अल्फा कार्बन, दूसरे साल में के कार्बोनिल कार्बन के पास जाएगा। आसान भाषा में अगर तुमको बोले तो हमारे केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन बॉन्ड जल्दी बनता और हाइड्रोजन हमेशा ओ के पास जाता, तो ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ओ के पास चले गया, और CH2 कहाँ चले गए, सी के पास चले गए। जब CH2 चले गया तो उसके पीछे सी डबल बॉन्ड OH भी अपने साथ लेके चले गए। तो देखो फिर क्या हुआ, यहाँ पर CH3 जैसा क्या वैसा, यहाँ पर बन गया OH, डबल बॉन्ड का बन गया सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH भी उसके पास आ गया, और हमको एक एक मुरक्कब मिल गया। अब मुरक्कब को मैं जोर से तुमको अच्छे से समझाता, किधर बताता, बताओ फिर क्या दिख रहा, तुम बोलेंगे सर ये हमारा तफाली ग्रुप दिख रहा, उसके बाजू कार्बन अल्फा दिख रहा, उसके बाजू क्या दिख रहा, बीटा दिख रहा, और बीटा कार्बन पर क्या आ गया, OH आ गया। OH को बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी, लेकिन OH ग्रुप कौन से कार्बन पर आया, बीटा कार्बन पर आया। ये अल्फा, ये बीटा, ये कौन सा, ये गामा है। अब अल्फा भी है, बीटा भी है, और कौन सा, गामा भी है। ये गामा है, अल्फा बीटा गामा। तो OH ग्रुप कौन से कार्बन पर आया, तुम बोलेंगे बीटा कार्बन पर आया, कॉमन नेम है अल्फा बीटा बोलते हैं। और OH को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। और काय पर आके बैठा, ये अल्डेहाइड पर आके बैठा, तो बताओ हम इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड। अब बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड तो हमको समझ गया कि उसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड है। बताओ ये OH कौन है, अगर वैसा देखे जाए तो OH बेटा हमारे पास अल्कोहल है, और बताओ ये कौन है बॉन्ड CH, उसको क्या बोलते हैं, हम अल्डेहाइड बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये अल्डेहाइड के पहले तीन वर्ड और अल्कोहल के आखिरी दो वर्ड ऐसे मिला के इसको क्या बनाते हैं, अल्डोल बनाते। क्या बनाते बच्चों, अल्डोल बनाते। क्योंकि इसका अल्डोल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये ऐसा मुरक्कबात है, इसमें दो दो तफावली ग्रुप है, एक अल्कोहल है और एक अल्डेहाइड है। तो अल्डेहाइड के पहले तीन वर्ड और अल्कोहल के आखिरी दो वर्ड ऐसे मिला के क्या बनता है, अल्डोल बनता है। यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड कुछ हम क्या कहते हैं, अल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्डोल कहते हैं। तो बोलो अब किसी रिएक्शन होंगे, जब किसी भी अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले दो अल्डेहाइड या दो कीटोन को हम क्या करेंगे, अल्कली के साथ, यानी NaOH, KOH और K2CO3 के साथ, कोई भी अल्कली के साथ क्या करेंगे, अमल करेंगे। तो क्या होगा, एक साल में का अल्फा कार्बन दूसरे साल में के कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास जाएगा, कहा जाएगा कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास जाएगा, और दूसरे साल में का अल्फा कार्बन क्या जाएगा, कार्बोनिल कार्बन के पास जाएगा, और नतीजे में बच्चे हमको क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, अल्डोल कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्डोल। और ये तामूल क्या कहलाता है, अल्डोल तकसीबी तामूल कहलाता है। बोलो फिर क्या बोलेंगे, जब किसी अल्डेहाइड
जब किसी अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड कीटोन को आबी अल्कली NaOH या KOH के साथ अमल कराया जाता है तो नतीजे में क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है। इसे क्या कहते हैं, हम अल्डोल कहते हैं। इसे हम अल्डोल तकसीफी तामुल भी कहते हैं। अब बात समझ में आ गई। अभी जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला उसमें क्या करेंगे बेटा, अपन तकसीब का अमल करेंगे। मैं शुरुआत में बोलता था तकसीब का मतलब क्या होता है, पानी का सालमा खारिज होता। तो अब ये अल्फा कार्बन दिख रहा, ये बीटा कार्बन दिख रहा, या अपन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ले आए। तुमको समझ गया कि सर ने कहाँ से अल्फा लाया कहाँ से बीटा लाया। तो बताओ ये कौन सा कार्बन है बेटा, ये अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, यहाँ पर बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से OH ग्रुप जाएगा, अल्फा कार्बन से H जाएगा, और आजू बाजू कार्बन से जब भी H2 ग्रुप निकल जाता है तो नतीजे में डबल बॉन्ड बनता है। देखो तो H2 निकल गया यानी पानी का सालमा खारिज हो गया, तो प्लस क्या लिखेंगे अपन H2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब मैंने क्या करा, ये CH3 जैसा का वैसा लिखा, ये CH3 जैसा का वैसा लिखा, ये CH उसके ऊपर है तो ये CH मिला दिया, यहाँ से H2 निकल गया तो डबल बॉन्ड बन गया। फिर ये CH जैसा का वैसा, C डबल बॉन्ड वैसे जैसा था वैसा। अब क्या दिख रहा तुम्हारे को, तुमको ऐसा दिख रहा है कि अल्फा और बीटा कार्बन पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। जब हमारे केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड आता है तो उसको बोलते हैं गैस अयरशुदा या अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ये जब हमारे केमिस्ट्री में एक ही बंदिश आती है तो उसको अयरशुदा बोलते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो बताओ ये क्या मिला तुम्हारे को, अल्फा पर और बीटा पर क्या आया, डबल बॉन्ड आया। तो अल्फा पर बीटा पर डबल बॉन्ड आने की वजह से उसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और कहाँ पर आया, एल्डिहाइड पर आया। और इसे हम क्या कहते हैं, अल्डोल तकसीबी तामुल कहते हैं। अब आइए तारीफ के हिसाब से देख लेते हैं कि जब किसी अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड कीटोन को आबी अल्कली NaOH और KOH के साथ क्या करते हैं बेटा, अमल कराया जाता है तो नतीजे में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हासिल होता है। यह तामुल क्या कहलाता है, अल्डोल तकसीबी तामुल कहलाता है। अब अल्डोल को क्या करेंगे अपन, बहुत देर तक गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या करेगा, अल्फा और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, OH और यहाँ से H निकलेगा। नतीजे में डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गैस अयरशुदा एल्डिहाइड मिलेगा। अब आइए देखते हैं तारीफ। अब तारीफ आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगी, कंडीशन भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलो देखते हैं बच्चों और ख़त्म करते हैं आज का। तो फिर अल्डोल तकसीबी तामुल में वही एल्डिहाइड और कीटोन हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन जोहर मौजूद होता है। ये हो गया, उसकी क्या हो गया बेटा, कंडीशन हो गई। अब कंडीशन के बाद क्या बोलेंगे कि जब अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड या कीटोन को आबी असास NaOH KOH और Na2CO3 के साथ अमल कराया जाता है तो नतीजे में क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हासिल होता है। नतीजे में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हासिल होता है। ये तामुल क्या कहलाता है, अल्डोल तकसीबी तामुल कहलाता है। वाह वाह। बाद में क्या बोलेंगे अपन, अल्डोल तकसीबी तामुल को क्या करेंगे, गर्म करने पर उसमें क्या होगा, उसके सालमे से एक वाटर सालमे पानी का सालमे का क्या होगा, इखराज होगा, और नतीजे में क्या मिलेगा हमको, अल्फा बीटा गैस अयरशुदा एल्डिहाइड हासिल होता है। और ये तामुल क्या कहलाएगा हमारे को, अल्डोल तकसीबी तामुल कहलाएगा। शुक्रिया। दो तीन बार वीडियो को देखना, अच्छे से तुम लोगों को याद हो जाएगा।